आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको ये नबल डाक एंड मुंबई का जो वैकेंसी निकला है, टेड का जो ये वैकेंसी निकला है, ये 10वीं पास पे ले रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे क्लास 10 का 10वीं पास होना चाहिए कम से कम 50% से। कहाँ किसके द्वारा निकाला गया वैकेंसी? नबल डॉक एंड मुंबई के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो जिसका फीस 0 है। तो क्या होता है, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इनके लिए आपको क्वालिफिकेशन में मैट्रिक चाहिए प्लस ITI होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ITI 2 साल का है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आपका है तो आप कर सकते हैं। इसी तरह जिस आपका ITI है तभी आप कर पाएंगे। अगर आप मैट्रिक पास से ITI है तब आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए, अप्लाई करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लेना चाहिए। सबसे बेसिक जानकारी पहले है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी यानी अप्लाई करने में कितना चार्ज लगेगा? अगर आप जनरल कोटा से या EWS या OBC तो आपको यहाँ पे 1 भी रुपये नहीं लगेगा, 0 लगेगा। या SC ST या PH कैंडिडेट तो यहाँ पे भी आपको 0 लगने वाला है। यानी कि जो भी कास्ट है, जो भी है, सभी के लिए यहाँ पे 0 है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 सितंबर 2019 से स्टार्ट हुआ और लास्ट डेट है 20 सितंबर, ठीक है। और एग्जाम जो होगा वो दिसंबर में होगा। एडमिट कार्ड अभी नहीं है क्योंकि अभी अप्लाई ले रहा है। और यहाँ पे एज लिमिट जो है यहाँ पे बताया गया है, यहाँ बताया गया है कि उसका जिसका अप्लाई करे उसका पैदाइश 1 अप्रैल 1999 से लेकर और 31 मार्च 2006 के बीच में होना चाहिए, जिस तो वही अप्लाई कर सकता है। जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1999 से लेकर 31 मार्च 2006 के बीच में, वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन के, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास विथ 50% विथ ITI वगैरह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे तीनों पोस्ट में क्या क्या कितनी संख्या के पोस्ट है, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आप ये वाला सेलेक्ट करते हैं ऊपर वाला, तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी में कितना लेगा ये सारा चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में 100 मार्क का क्वेश्चन वगैरह आएगा, डॉक्यूमेंट क्या लगने वो सब यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अप्लाई के लिए। अप्लाई के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो आपको इस वेबसाइट पे आना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो यहाँ पूछ रहे अप्लाई, तो अप्लाई ऑनलाइन मान डिजाइनर से करना चाहते या नॉट डिजाइनर से? तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप कौन सा पोस्ट करना चाहते हैं, डिजाइनर ट्रेंड या नॉट डिजाइनर ट्रेंड। जिससे करना चाहिए वो आप वो उस वाले को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं नोट डिजाइनर से करने वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो देख लीजिए पूरी चीज़ विस्तार से, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लग रहा है हमारा इंटरनेट सोलो चलने लगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी वेट कर लेंगे। आपका जो इंटरनेट का कनेक्टर होगा वो अगर फास्ट रहेगा तो फास्ट चलेगा। तो थोड़ी सी हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं ताकि नेटवर्क का सामना आपको ना करना पड़े। तो यहाँ देखिए खुल चुका कुछ इस तरह का, और यहाँ भी पूरी चीज़ दिया गया है कब से आप स्टार्ट होगा। 2 तारीख से स्टार्ट है, 20 तारीख को अंतिम डेट है रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करें, यहाँ पूछ रहा है टैड अप्लाइड फॉर, क्या से अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो ICR फिल्टर, कंप्यूटर फिल्टर, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, ठीक है। जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या लेगी, यहाँ पे आपको पूरी चीज़ विस्तार से बता दिया गया था। ये देख लीजिए, मैंने नॉट डिजाइनर से किया था, तो उसमें जो आ रहा है ये सब पोस्ट आ रहा है, और यहाँ पे किस कैटेगरी से क्या लेगा वो सब यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो मैं कंप्यूटर फिल्टर से करूँगा, तो चलिए यहाँ पे मैं कंप्यूटर फिल्टर को सेलेक्ट करूँगा, कंप्यूटर फिल्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम देना, जो भी आपको फर्स्ट नेम वो देना होगा। उसके बाद इसमें आपको सेकंड नेम देना होगा,
उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नेम, उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना होगा। यहाँ देख लीजिए थोड़ा तो पहले से ऑटोमेटिक आ गया है तो इसको टाले। तो यहाँ पे नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना होगा, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा। तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना, जो भी आपका ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस आप देते हैं। और आप एक ही ईमेल दीजिए जब भी आप ऑनलाइन करते हैं, अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास दो तीन ईमेल है तो आप एक ईमेल दीजिए, जो आप सभी जगह एक ही ईमेल दीजिए, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। सभी जगह अलग अलग ईमेल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से उसी ईमेल को आपको कन्फर्म करना होगा। तो सेम ईमेल एड्रेस आपको देना होगा। सेम जब तक नहीं दीजिएगा तो ये कन्फर्म नहीं लेगा और वेरीफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, मैं नाम, फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस दे दिया हूँ। ईमेल एड्रेस को कन्फर्म भी कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर होगा जिसका अप्लाई कर रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। तो चलिए, मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद करना कुछ नहीं, सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। तो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल एड्रेस पे, मोबाइल ईमेल एड्रेस पे आपको एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड भेजा गया है। याद रखना है कि इस ओटीपी को आपको 10 मिनट के अंदर देना है, क्योंकि इस ओटीपी का जो वैलिड है वो 10 मिनट ही है, ओनली 10 मिनट। तो 10 मिनट के अंदर आपको देना है। मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं इस ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद सिंपली से यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी को क्लिक करना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने वैलिडेट ओटीपी को क्लिक कर दिया है। तो वैलिडेट ओटीपी क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी आ चुके हैं, ये लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए, जैसा जो मैंने रजिस्ट्रेशन में भरा था वो सारा चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू भी क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू भी क्लिक करने के बाद यहाँ पे ITI ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ITI ट्रेड में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी सिलेक्ट करना होगा अपने हिसाब से। अगर आपके पास ITI है तो कौन सा ITI है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, आपका जनरल, SC ST भी जो भी है वो सिलेक्ट करके मैं जनरल। उसके बाद यहाँ पे मेल, अगर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास इसके अलावा कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो दे सकते, नहीं तो ये जरूरी भी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे करना कुछ, अपने फादर का जो नाम होगा आपके फादर का, वो नाम आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। तो चलिए, यहाँ पे एक फादर का नाम देने को, उसके बाद नीचे मदर नेम, आपका जो भी मदर का नाम होगा वो नाम आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। तो चलिए, यहाँ पे इंटर करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर दीजिए। आधार नंबर के बाद पूछ रहा क्या ये पर्सन जो जिसका अप्लाई कर वो विकलांग वगैरह है, अगर है तो यस कर लेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल और डिसेबिलिटी, यहाँ पे पूछ रहा है अगर ये यस में यस सेलेक्ट करेंगे तब यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा जो विकलांग है वो किस प्रकार का विकलांग है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका फोर्स वगैरह में कोई आपके सॉन डॉटर है, तो यहाँ पे यस नो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कर रहा है डिटेल फॉर फोर्स, तो ये नहीं ले रहा है, इसको छोड़ देंगे। और इसमें भी आपको नो कर देना होगा, ठीक। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ वो सेलेक्ट कर लीजिए। और मैं तो चलिए, मैं ये डेट ऑफ बर्थ, मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको फिलअप कर देना होगा, जो भी एड्रेस होगा उसके परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप कर देना। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम हो तो टिक मार्क इस पर लगा देंगे तो दोनों फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना होगा, ठीक है। ये मैं फिलअप नहीं किया इसलिए नहीं लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एडुकेशन है, ठीक है। तो मैं चलिए फिलअप कर लेता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू भी क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे सेव एंड कंटिन्यू भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने वाला है, कुछ इस तरह। उसके बाद यहाँ पे मार्क पूछ रहा है, क्लास टेंथ में आपका क्लास एट का जो वो नहीं ले रहा है। उसके बाद क्लास टेंथ का पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है क्लास टेंथ जो है मैट्रिक आप किस साल पास किए थे वो ईयर आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मार्क सेक्शन, मतलब कि कितना मार्क आपको आया है, सॉरी कितना मार्क का था परीक्षा, वो आपको देना होगा। और यहाँ पे कितना मार्क आपको आया वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे आप ये सब इंटर करते हैं यहाँ पे जो परसेंट आपको आ जाएगा
50% से जब ज़्यादा रहेगा तभी आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरा 60% है इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ITI डिटेल, अगर आपने ITI कोर्स किया है तो उसका डिटेल देंगे, कब से आपने किया, कितने साल का किया है, तो जो भी होगा आपका वो आप यहाँ से दे दीजिए फॉर्म। और मैं यहाँ से ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल मार्क्स अगर है तो दे सकते हैं, और नहीं तो इसको हटा भी सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, मैं खाली छोड़ देता हूँ। और इसके बाद सेमेस्टर वाइज मार्क, ठीक है, तो यहाँ पे जो ITI में फोर सेमेस्टर होते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितना मार्क है वो देना होगा, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी आया वो देना है, सेकेंड में आपको कितना आया वो देना है, थर्ड सेमेस्टर में कितना आया वो आपको देना होगा, और फर्स्ट सेमेस्टर में कितना आया आपको वो देना होगा, ठीक है। इस तरह आप अपना मार्क दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ITI जो किए हैं आप किस कॉलेज से इंस्टीट्यूट किए हैं उसका नाम आपको देना है, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग का नाम किस यूनिवर्सिटी के द्वारा, और अपॉइंटमेंट नंबर लेटर जो होता है वो आपको यहाँ पे देना है, CNCVT का जो नंबर होता है लेटर नंबर वो आपको देना होगा। उसके बाद NCVT डिटेल यहाँ पे आपको देना होगा, ये आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, जो भी आपने ITI पास किया होगा आपको सर्टिफिकेट मिला होगा वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर देना है, किस साल आप पास किए वो पासिंग ईयर देना है, ठीक है। तो सिंपली से कितने स्टेप फॉलो करने होंगे आपको मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे 3-3-6 स्टेप आपको फॉलो करने होते, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन अपलोड करना होगा। तो चलिए ये सब फिलअप करते हैं। तो जैसे आप सबमिट करेंगे अपने एजुकेशन डिटेल को देने के बाद, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछ रहा है आपका फोटो अब देना होगा, सिग्नेचर देना होगा, फोटो 100 KB का होना चाहिए कम से कम मैक्सिमम, और सिग्नेचर जो होना चाहिए वो भी आपका फोटो 150 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर भी 150 KB का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये सब आपको अपलोड कर देना। तो चलिए मैं फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेता हूँ फटाफट, यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको वो फोटो सेलेक्ट कर लेना, जहाँ भी फोटो है मैं तो यहाँ पे मैंने देख पा रहे मैंने फोटो अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिक्सल जो ये पिक्सल मांग रहा है, ठीक है, तो ये सब आपको देना होगा। तो चलिए मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ, फोटो जो पिक्सल होगा वो 100 KB से लेके 300 KB के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं अपलोड कर दिया। उसके बाद फिर से अपलोड बटन पे क्लिक करते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने फिर से अपलोड बटन पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे फोटो भी हमारा शो कर चुका है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिग्नेचर को भी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पूछ रहा है सिग्नेचर जो वो 150 KB होना चाहिए, तो मैं सिग्नेचर को किस तरह कर पाएंगे सिग्नेचर वो भी आपको बता दें। सिग्नेचर को ओपन कर लेना होगा, किस तरह के भी कम करते हैं वो भी आपको हम इसी वीडियो में बता देते हैं, ताकि आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत। सिग्नेचर को सिंपली आपको पेंट में ओपन करना होगा, ठीक है, तो ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे ओपन। उसके बाद यहाँ पे पेंट पे क्लिक करना होगा, तो आपका जो सिग्नेचर होगा ये पेंट में ओपन कर लेना होगा। और पेंट पे ओपन करेंगे यहाँ पे रिसाइज का एक ऑप्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिसाइज का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट करेंगे और इसी में टिक बॉक्स हटा देंगे, और यहाँ पे जो आपको 150 से कम रखना है तो आप 130-140 जो भी रखना चाहे वो रख से, दोनों में आप 130 रख के आप यहाँ पे क्लिक, उसके बाद इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं उस फोटो को मैं फिर से अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे फाइल चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ और मैं उस सिग्नेचर फिर से सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे मैं फिर से अपलोड किया तो यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है साइज भी साइज जो होगा वो 50 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरा सिग्नेचर का साइज वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखिए मैंने अपलोड कर दिया ये फाइल भी, मेरा जो सिग्नेचर जो ये भी अपलोड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे 7 Continue पे क्लिक करना होगा, पूरा चीज़ विस्तार से बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोला है, जैसे कि मार्कशीट मैट्रिक का और ITI का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फिजिकल डिसेबिलिटी और जो भी होता है, जो मैंने फिजिकल सर्टिफिकेट में अगर आप सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पे अपलोड लेगा, मैं सेलेक्ट नहीं किया हूँ इसलिए यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ तो ये नहीं ले रहा है लोड,
देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये लोड नहीं ले। अगर आप नहीं सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पे लोड नहीं लेगा, अगर आप वहाँ पे यस सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पे लोड लेगा। ठीक है, तो मैं नहीं नो सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लोड नहीं ले रहा, जैसा कि देख पा रहे आप। ठीक है, तो यहाँ पे PDF जो जो होना चाहिए डॉक्यूमेंट, वो सारा चीज़ PDF में होना चाहिए और वो ओनली स्कैन कॉपी होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट का फोटो खींच के मत चलाइएगा, उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको PDF या JPG में जिसमें हो उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, वो 500 KB से कम तो मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, तो वीडियो को देखते रहें पूरी विस्तार से। तो जैसे आप देख पा रहे मैंने मैट्रिक की सर्टिफिकेट जो अपलोड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पूछ रहा है 500 KB से ज़्यादा है आपका डॉक्यूमेंट, वो आपको इसने कम कर लेना, उसी तरह ये भी आपको कम कर लेना। चलिए मैं सारा चीज़ कम कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे मैंने यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर दिया हूँ, तो ये अपलोड हो रहा है। मैंने JPG फाइल में अपलोड किया, आप चाहे तो PDF में भी अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे मैंने सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे 7 कंटिन्यू भी क्लिक करना होगा। सारा डॉक्यूमेंट यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट आपको शो करेगा, वो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना आपको अनिवार्य है, नेसेसरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टिक मार्कर लगा देंगे, तीनों बॉक्स में आपको टिक मार्कर लगा देना होगा। टिक मार्कर लगाने के बाद आपको यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट बटन भी क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए आपके द्वारा भरा गया सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा आप। मैं सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से आप अपना अप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से जब एडमिट कार्ड आएगा तो यहीं से आपको लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। इसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरा प्रक्रिया यही था। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे माई प्रोफाइल माई एप्लीकेशन वगैरह वही है। तो चलिए सिंपली से लॉग आउट बटन पर क्लिक करके लॉग आउट कर लेते हैं। तो चलिए लॉग आउट कर लिया हूँ मैंने। दोस्तों आज सीख गए होंगे आप पूरी तरह किस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह एडमिट कार्ड जब आएगा तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरी चीज़ आप विस्तार से समझ गए। अधिक जानकारी के लिए आपको इस वेबसाइट का लिंक दे देंगे, ये वाली वेबसाइट का, यहाँ पे पूरी चीज़ विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।